अच्छा ठीक है मम्मी, कॉलेज जा रही हूँ मैं। हाँ रुक, ये टिफिन तैयार है, लेके जा। सीरियसली मम्मी, इट्स कैंटीन लाइफ, कॉलेज में हूँ मैं, कॉलेज में लंच बॉक्स लेके कौन जाता है? वही कैंटीन से लेके कुछ खा लूंगी मैं। ओके बाय, सी यू सून। अरे अरे सुन तो सिब्बू, सुन तो, सुन सिब्बू। इस लड़की का आजकल मुझे कुछ समझ नहीं आता है, जैसे जैसे बड़ी होती जा रही है वैसे वैसे इसकी बातचीत मुझसे कम होती जा रही है। आती है, खाती है, पूरा दिन फोन में लगी रहती है, फिर सुबह उठकर रेडी होकर फिर कॉलेज चली जाती है। कहीं इसको किसी गलत ऐप की आदत तो नहीं पड़ गई है? वैसे भी जमाना बहुत खराब चल रहा है, कहां कब किसकी नियत खराब हो जाए कुछ नहीं पता। भगवान बचाए। राम 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 राम। कौन आ गया? सुमन भाभी, ई लियो तोहार कपड़ा। हाँ हाँ ले आ ले आ। अच्छा। जी तू यहीं रुक, मैं पैसे लेकर आती हूँ। भाभी वो पिछले बार का 75 रुपया भी बाकी था और इस बार का मिला के पूरा 100 रुपया हो गया। अच्छा 100 रुपये हो गए, 100 रुपये में वो 25 रुपये कौन घटाएगा? जो पिछली बार तूने बोला था छुट्टे नहीं है बाद में लगा लेना। हाँ हाँ भाभी, वो बहुतों के कपड़े हम प्रेस करते हैं ना तो हिसाब में थोड़ा गड़बड़ा जाते हैं। कोई बात नहीं, आप 75 की जगह हमको 70 ही दे देना, 5 रुपया हमारे भूलने खातिर काट लेना। नहीं नहीं, तेरे 75 रुपये बने ना मैं पूरे के पूरे दूंगी, लाती हूँ पैसे। अच्छा भाभी ये कपड़ा तो ले जाओ। ये ले पकड़, पूरे 75 रुपये हैं। ठीक है भाभी पूरे हैं। क्या हुआ भाभी, आप जरा हमका परेशान सी लग रही हैं। अरे क्या, बच्चों के साथ परेशानियां तो लगी रहती है ना। हाँ भाभी वो बात तो है, आजकल के बच्चा लोगन भी ना बहुत ज्यादा फास्ट फॉरवर्ड हो गए हैं। फास्ट फॉरवर्ड? हाँ हाँ उहाई उहाई। हाँ सुमन तो बिल्कुल ठीक कह रही है, ये आजकल की पीढ़ी हम माँ बाप को कुछ समझती नहीं है। कहाँ जा रहे हैं, किससे मिल रहे हैं, किससे बातचीत कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं कुछ माँ बाप को बताती नहीं है। जैसे जैसे ये बच्चे ना बड़े होते जा रहे हैं वैसे वैसे हम माँ बाप से बातचीत कम करते जा रहे हैं, हमें तो कुछ बताते ही नहीं है। जैसे वो जो कुछ भी करेंगे ना हम उसके लिए मना कर देंगे, डांटते रहेंगे। हाँ हाँ भाभी इकाई तो ऊ बोलत है। ऊ क्या? अरे भाभी वही ऊ का बोलत है, जनरेटर गैप। जनरेटर गैप? जनरेशन गैप। सुमन तू अपनी अंग्रेजी ना अपने पास रखा कर, हिंदी में बोला कर, उसमें क्या परेशानी है? हाँ भाभी उहे उहे, अबू जबाना चला गा जब लड़कियां बच्चा अपने महतारी बाप के सामने बोलतों की हकलात रहन। भाभी अगर आजकल के महतारी बाप के लड़कियन के जाने के बना तो उनसी कंधे से कंधा मिलाए के चले के पड़ा था। कंधे से कंधा? हाँ भाभी, तबे लड़कियन बच्चन के अपने अपने से उकाऊ कहते फीलिंग फीलिंग आती है। लेकिन अगर किसी की माँ का कंधा उससे नीचा है तो काम नहीं चलेगा क्या? अरे भाभी आपो कितनी भोली हो, कंधे से कंधा मिला के चलना ऊ चलना ना ही होत है। ई का मतलब होत है उनकी फ्रेंड बनो, कूल बनो। अरे हाँ भाभी, आजकल के बच्चा लोगन को जो कुछ भी पसंद है उनके साथ उहे करो, उसी में हौसला दो। हाँ भाभी तबे तो उनसे कंधा से कंधा मिला के चल पाई हो। ओ तो ये सब भी करना पड़ता है आजकल? औ का भाभी, लड़का बच्चा खातिर महतारी बाप का कछु ना ही करत हैं। औ भाभी एक बात आप खुद ही सोच के देखो, अपने जवानी में हम पता नहीं का ना करत रहे। चला भाभी अब हम चले थे। हाँ कंधे से कंधा मिलाओ याद रखो। कंधे से कंधा मिलाकर चलना है, अब समझ में आया मुझे। अरे यार आज तो बहुत ज्यादा लेट हो गई हूँ, बस मम्मी सो गई हूँ। सही है यार, मम्मी तो यहाँ नहीं है, बच गई मैं। एक काम करती हूँ, शांति से यहाँ से निकल लेती हूँ।
मम्मी वो ना मेरी आज एक्स्ट्रा क्लासेस। बस समझ गई बेटा, तेरी एक्स्ट्रा क्लासेस होंगी ना, कोई बात नहीं। अब कॉलेज के दिनों में तुम जवान बच्चों की एक्स्ट्रा क्लासेस नहीं लगेंगी तो फिर कब लगेंगी? और वैसे भी ना मैंने भी अपनी जवानी के दिनों में बहुत सारी एक्स्ट्रा क्लासेस लगाई हैं। आई एम प्राउड ऑफ यू मेरा बच्चा, तू मेरा नाम जरूर रोशन करेगी। तू थक गई होगी ना बेटा, तो जा मुँह हाथ धोकर कपड़े चेंज कर ले, फिर हम पार्टी करेंगे। पार्टी? हाँ ना, अब जा। ये मम्मी को क्या हो गया आज? आज इन्होंने कौन से नशे कर लिए हैं भाई? ना तो इन्होंने मुझे घर लेट आने से डांटा और ना ही मुझ पे गुस्सा किया, और ऊपर से कह रही हैं कि चल पार्टी करते हैं। चलो मुझे क्या, वैसे भी इसमें मेरा ही फायदा है। सिब्बू बेटा आजा, सब रेडी है, पार्टी करेंगे, आजा आजा। अरे मम्मा यार क्या पार्टी, आप कर लो पार्टी, मेरे पास टाइम नहीं है, मैं बिजी हूँ। सिब्बू सिब्बू तू मेरे साथ पार्टी नहीं करेगी? हैं? मेरे साथ क्यों करेगी पार्टी? तेरे पास तेरा फोन है ना, तेरे दोस्त है ना, मेरे पास कौन है? तू और तेरे पापा। पापा तेरे ऑफिस चले जाते हैं, तू कॉलेज चली जाती, मैं रह जाती हूँ अकेले। पता है मेरे को कैसे लगता है? दम घुट जाता है, मेरा दम घुट जाता है। जब से तू बड़ी हुई है ना, तू ना मुझको भूल ही चुकी है, कभी मुझसे बात नहीं करती, ये नहीं पूछती मम्मी आपको कैसा लगता है, अच्छा लगता है, अकेले रहती हूँ, क्या करती रहती हूँ, बस अपने दोस्तों के साथ गप्पे मारते रहो, पार्टी करते रहो, घूमते रहो, मम्मी के बारे में नहीं सोचेगी। तू बता आज तक मैंने तुझसे कुछ मांगा है? कभी मैंने तुझसे बोला कि आजा मेरे साथ पार्टी कर? आज सिर्फ तेरे से बोला कि मेरे साथ पार्टी कर ले, लेकिन नहीं, तू तो ना ही करेगी। तू तो अपनी मां के लिए कभी कुछ कर ही नहीं सकती है, तू कभी मेरे बारे में नहीं सोचेगी बेटा, मैं सब जान चुकी हूँ, मैं तो अकेली हूँ, अकेली आई हूँ, अकेली मर जाऊंगी। यार लगता है मम्मी ज्यादा इमोशनल हो गई है, और वैसे भी मम्मी सही तो कह रही है, मेरे और पापा के अलावा और इनका है ही कौन? पापा ऑफिस चले जाते हैं और मैं कॉलेज, मम्मी यहाँ पे सच में बोर होती होंगी। चलो ठीक है, मैं मम्मी के साथ पार्टी कर ही लेती हूँ। अच्छा मम्मी ठीक है आप रुको, आपको पार्टी करनी है ना, ठीक है मैं चलती हूँ आपके साथ पार्टी करती हूँ। हैं? चल चल आजा फिर, वेट किस बात का? क्या तूने कपड़े नहीं चेंज किए? अरे कपड़े चेंज कर ले, तैयार हो जा, अच्छी सी बन जा। अरे मम्मी घर में ही तो पार्टी कर रहे हैं, तो उसमें तैयार होने की क्या जरूरत है, और ये कपड़े ठीक तो है। हैं? तो क्या हो गया, घर में कर रहे हैं? कर तो रहे हैं ना पार्टी, और पार्टी का क्या मतलब होता है? अच्छे अच्छे कपड़े पहनना, अच्छा सा मेकअप लगाना, लिपस्टिक लगाना है। और वैसे भी ना हम लड़कियों को ना किसी की जरूरत नहीं होती, हम तो अपने लिए तैयार होते हैं, अपने लिए पार्टी करते हैं। तुझे तुझे शॉर्ट्स पसंद है ना, वो पहन, तुझे जो मन है वो कर, तेरे को लिपस्टिक लगानी है, मेकअप लगाना है, वो लगा, बस बेटा जल्दी से आजा, मैं ना तेरा वेट कर रही हूँ, आजा आजा आजा, अच्छे से तैयार हो। यार ये मम्मी को आज हो क्या गया है? पार्टी करनी है, पार्टी करेंगे, किसी के भी पापा से नहीं डरेंगे। हाँ मम्मी बताओ कौन सी पार्टी कर? मम्मी ये सब क्या है? अरे तुझे बताया था पार्टी है, और ये है पार्टी का सामान। पर ये दारू, दारू पीते हो? हाँ बेटा, तेरे पापा के साथ क्वालिटी टाइम में कभी कभी लिटिल लिटिल ले लेती हूँ। पर ये आपको मिली कहाँ से? अरे तेरे पापा के सामान में से चुटका ली मैंने। अच्छा वो सब तो ठीक है मम्मी, पर आप अपनी बेटी के साथ दारू पियोगे? अरे क्या बेटा, माँ बेटी माँ बेटी, आज के दिन ना तू अपनी माँ को भूल जा। हाँ भूल जाओ? हाँ बेटा। अच्छा क्या खड़े खड़े बात करेगी? आ बैठ, मैं समझाती हूँ, आजा आजा बैठ बैठ। देख बेटा सुन, आज के दिन तू मुझे अपनी मम्मी नहीं बेस्टी समझ, बेस्ट फ्रेंड, सबसे अच्छी फ्रेंड समझ, बेब्स बेब समझ। वैसे बेटा तुझे बहुत बुरा लगता होगा ना, मैं तुझे जब मर्जी डांट देती हूँ, रजाई गद्दों की तरह कूट देती हूँ, तुझे बुरा लगता होगा ना? अरे नहीं नहीं मम्मी, ऐसा कुछ भी नहीं है, आप मेरी मम्मी हो और इतनी मार कुटाई तो चलती है। नहीं नहीं बेटा, थोड़ा तो बुरा लगता होगा ना? अरे नहीं मम्मी, ऐसा कुछ भी नहीं है। नहीं तू डर मत, तू सच सच बोल, आज तो भूल जा कि मैं तेरी मम्मी हूँ, तू ये सोच तू अपनी बेस्ट फ्रेंड बेस्टी बेब्स के साथ बात कर रही है। बता किसके साथ बात कर रही है? मम्मी। अरे
बोला ना मैं तेरी मम्मी नहीं हूँ, मैं तेरी बेस्टी बेब्स शिल्पू। हाँ मैं तेरी शिल्पू, तू सिब्बू मैं शिल्पू, दे दे ताली। अरे दे ना। अरे ऐसा क्यों मुंह बना रखा है, हंस ना। पर मम्मी जो भी हो, पर हो तो आप मम्मी ना। अरे बेटा अज्यूम कर लेना कि मैं तेरी बेस्ट फ्रेंड हूँ, जैसे मैथ्स में अज्यूम करती है अज्यूम एक्स अज्यूम वाई, वैसे आज अज्यूम कर ले कि मैं हूँ तेरी बेस्टी बेस्ट फ्रेंड शिल्पू बेब। अच्छा बेस्टी वाली फीलिंग नहीं आ रही है ना। एक मिनट, मेरे पास आइडिया है इसके लिए भी। आप बता कौन हूँ मैं? पक्का बोल दूँ मम्मी? अरे हाँ ना बोल, डर क्यों रही है तू? अपनी शिल्पू बेस्टी बेब्स। अब हुई ना तू कंफर्टेबल, डरती बहुत है तू। अच्छा वैसे शिल्पू तेरे को मैं एक बात बताऊँ, जब तू मुझे मारती है ना तो तुझे क्या लगता है कि मेरे को लगती है मैं पहले से ही एक्टिंग करने लग जाती हूँ ताकि तू मेरे को मारे ही ना। एक नंबर की ड्रामेबाज हूँ मैं। अच्छा रुक, अभी निकालती मैं तेरी एक्टिंग। नहीं नहीं मम्मी नहीं 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 देखो मम्मी नहीं 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 देखो आप ये भूल रही हो, आज आप मेरी मम्मी हो, आप मेरी बेस्टी हो, बेब्स हो, आप मेरे को मार नहीं सकते हो। अरे तू तो डर गई, मैं तो एक्टिंग कर रही थी बिल्कुल तेरी तरह जैसे तेरी मम्मी करती है एक्टिंग, और तू तो डर गई। छोड़ ना ये सब, चल पार्टी करते हैं। कोकला ची पाकी जो मेरी रात आई है, जेड़ा आज भी ना नचे ओदी शामत आई है, आज दिया देखो रात जशन दी। ओह माय गॉड, ओहो। अच्छा शिल्पू बेब्स मेरे में ना 30 ml रखियो और सोडा थोड़ा कम। तुझे कैसे पता कि दारू में सोडा डलता है? बताती है, निकालो ज्योति। मम्मी मम्मी यार मम्मी क्या है, मैं जा रही हूँ, मेरे को नहीं करनी आपके साथ पार्टी वार्टी। यार आप बात बात पे भूल जाती हो कि आज के दिन आप मेरी मम्मी नहीं हो, आज मेरी बेब्स हो आप, शिल्पू बेब्स हो। अरे अरे सॉरी सॉरी सॉरी, तो रुक जाना, सॉरी मुझसे गलती हो गई, ये ले। नहीं मम्मी नहीं, मुझे नहीं पीनी, फिर आपके अंदर की मम्मी एकदम से आप परिचित की तरह बाहर निकल आएगी और मेरा खत्म सत्यानाश टाटा गुड बाय कर देगी। अरे नहीं ना, तू तो अपने दोस्त की बातों का बुरा मान गई, चल ले ना। मुझे नहीं पीना। ले चुप जा, पकड़ पी, ले थप्पड़ मारूंगी, पी पी ले। अच्छा एक बात बता, लास्ट बार कब पी थी? यार भले ही हम आज के लिए दोस्त हैं बट ये है तो मेरी मम्मी, कहीं मेरी पोल तो नहीं खुलवा रही है ये। अरे नहीं नहीं शिल्पू, मैं थोड़ी ना पीती हूँ, आज तो तेरे साथ ही पी है पहली बार। अरे झूठ मत बोल मुझसे, मुझे सब पता है तो अपने दोस्तों के साथ मिलकर खूब दारू पीती है। अरे छोड़ ना ये सब बातें, मुझे सच सच बता दे, आज मैं तेरी मम्मी थोड़ी हूँ, बेब्स बेस्ट फ्रेंड शिल्पू समझ के बता दे। देख एक काम करते हैं, तू अभी झिझक रही है ना, थोड़ी ओपन नहीं हो पा रही है ना, ऐसा करते हैं मैं तुझे पहले अपने सब सीक्रेट्स बताती हूँ फिर तू अपने सीक्रेट्स बताइयो। बोल कैसा है ये आइडिया? हाँ ठीक है। देखो पता है मैं भी अपने कॉलेज के टाइम पर ना खूब दारू पीती थी और मेरे मम्मी पापा को तो कुछ पता ही नहीं चलता था, उनको ना उल्लू बनाती रहती थी। अरे बस इतना ही? अरे वो तो पता नहीं कब पी थी तूने, मैंने पता है मैंने तो आज सुबह ही पी है, तभी तो आज मैं घर लेट आई थी, और जब तू मुझे पार्टी करने के लिए बुला रही थी तभी तो मैं अपने रूम से बाहर नहीं आ रही थी, कभी तेरे को मेरे मुंह से स्मेल आ जाए और तू मेरी कुटाई कर दे। और क्या बोला तूने कि तूने कॉलेज में दारू पी थी? अबे झूठी, तूने तो मेरे को बताया था कि तू सिर्फ 12th तक पढ़ी है। मैं तो ना भूल ही गई, मैं तो 12th में फेल हो गई थी, मैंने दारू 12th में पी ली थी। वैसे फेल से याद आया, तेरी पढ़ाई कैसी चल रही है? अरे यार शिल्पू बस तू पढ़ाई के बारे में मत पूछ, बस जैसे तैसे चल रही है, बस पास हो रही हूँ, और कैसे पास हो रही हूँ वो तो बस मुझे ही पता है। ये माँ बाप भी पता नहीं यार क्यों बच्चों को स्कूल में पढ़ाते हैं। अरे मेरा पढ़ाई लिखाई में बिल्कुल मन नहीं है, बस कैसे भी डिग्री बिग्री ला के अपने माँ बाप के मुँह पे मार दूंगी और आराम से जो है
शादी वादी करके बच्चे बच्चे पालूंगी। अरे मेरे को पढ़ाई में इंटरेस्ट ही नहीं है यार, क्या करना है वैसे भी, पास वास होके किसी भी तरह डिग्री लाके उनको पकड़ा दूंगी और उसके बाद उन्हें भी क्या ही करना है, मेरी शादी वादी करवा देंगे फिर मुझे बच्चे ही पालने और क्या। अरे नहीं मम्मी, मम्मी मम्मी पढ़ाई नहीं करेंगी ये, हैं माँ बाप का पैसा बर्बाद करेंगी, हैं मम्मी नहीं, बच्चे में तो पढ़ने, बच्चे में तो पढ़ने, हैं अबे मम्मी नहीं, शादी करेंगी, हैं मम्मी नहीं, मम्मी शादी करेंगी, मम्मी मम्मी बस बस मत मारो, मम्मी मत निकल गई, मत मारो, आज कौन खुली है तेरी? शिल्पू, ओए कहाँ खो गई तू? नहीं 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 कुछ नहीं। अरे दूसरा बैग बनाना यार। हाँ हाँ क्यों नहीं, बस अभी बनाती हूँ। छोड़ना ये सब बातें, चल डांस करते हैं, डांस फ्लोर पे आ जा। हाँ एकदम सही कह रही है, चल डांस करते हैं, चल 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 चल। जेड़ा नशा नशा तेरी अखां विचों आवे मन मैं वेखे आ बड़ा नायो लखां विचों आवे मैनू जे मैनू याद ना मिले ते मर जावां। एक बात बता, इतनी बातें तूने बता दी, ये बता दे तेरा कोई फ्रेंड है? अबे पता तो है तुझे, साजान भी तो है, तू सबको मिलवा तो रखा है। वो फ्रेंड नहीं, वो फ्रेंड। अच्छा वो फ्रेंड। अरे बेब तो साफ साफ पूछना कि तू बॉयफ्रेंड्स के बारे में जानना चाहती है। हाँ तो बता दे बॉयफ्रेंड है कि नहीं। अरे हाँ बेब्स है, बिल्कुल है, और एक के साथ तो आज ही मैं कॉलेज बंक करके मूवी देखने गई थी। और एक के साथ कल जाऊंगी। हैं दूसरा भी है तेरे? ऐसे कितने बॉयफ्रेंड है तेरे? अरे जब बताती हूँ, 1 2 3 एक वो भी है, 4 बॉयफ्रेंड, बस बॉयफ्रेंड, वो भी 4-4। हाँ ना बेब्स, देख अब एक कॉलेज के कैंटीन में काम आता है, दूसरा शॉपिंग करवाने के काम आता है, और तीसरे के साथ मैं शाम को मोमोज खाने जाती हूँ मम्मी से झूठ बोल के, मतलब तुझसे ही। और चौथा ना बहुत बूटी पार्टी है, वो मेरे को लॉन्च और क्लब में घुमाने ले जाता है। क्लब भी जाती है तू? हाँ ना बे, तुझी में तो मजा है। अच्छा और क्या क्या राज है बेस, और क्या क्या सीक्रेट्स है वो भी बता दे। यार तू ना मेरी बेस्टी है, तू मेरी बेस्ट फ्रेंड बन चुकी है, तेरे से अच्छा ना कोई नहीं है। बता तू आज क्या जानना चाहती है, अपने पूरे दिल की बात बता दूंगी मैं तुझे, बता।
चल मैं बताई देती हूँ। देख मेरे माँ बाप तो इतने पागल है, इतने पागल है। मेरे बाप तो थोड़ा ठीक भी है, मेरी माँ तो एक नंबर की, इतने बड़े बेवकूफ है। मैं उसको इतना पागल बनवाती हूँ, उसमें अक्ल ही नहीं है, उसको समझ ही नहीं आती। अब देख, अब ना मैं रात को जब मुझे क्लब वगैरह जाना होता है तो जब वो दोनों सो जाते हैं ना चुपके से, रात के 1 बजे 2 बजे करके कुंडी खोलती हूँ और घर से 9-2-11, फिर आती हूँ 4-5 बजे, तब भी सोए रहते हैं, उनको कुछ पता नहीं चलता। फिर उसके बाद, और मेरे घर में ना इतने पैसे चोरी होते हैं, और कौन चुराता है वो? मैं चुराती हूँ, और मेरी माँ को तो आज तक नहीं पता चला, मतलब तेरे को आज तक पता ही नहीं चला तुझे, जो घर में एक बार 600 रुपए गायब हुए थे, फिर 800 रुपए गायब हुए थे, तू पूछती रह गई थी कहाँ गए बेटा, मैंने यहाँ रखा था, कहाँ गए बेटा, मैंने यहाँ रखा था, सब चुरा चुरा के बाहर उड़ा दिए मैंने। नए नए टॉप ले आई, बैकलेस टॉप ले आई, फटे फटे जींस ले आई। और तेरे को बोल देती थी कि मेरे दोस्तों ने मेरे को गिफ्ट किया है। अरे घंटा गिफ्ट किया है? ऐसे कौन से दोस्त होते हैं जो गिफ्ट दे लेना जानते हैं, बस दोस्त है। और हाँ एक बात मेरे को और याद आई, मैं क्या करती हूँ, घर से ना बड़े बड़े कपड़े पहन के निकालती हूँ, जैकेट है, पूरे पूरे पैंट, लेकिन जैसे ही मैं कॉलेज पहुंचती हूँ, क्लब जाना होता है, कहीं भी जाना होता है, छोटे छोटे कपड़े पहन लेती हूँ, जैसे अभी पहना है तेरे गहने पर। अरे तू ऐसे क्यों है, तू ऐसे रियल लाइफ में बन जाना, मजा आएगा ब्रो। चल अब तू बता। नाश पीटी नालायक। अरे क्या हो गया शिल्पा बेब्स, यस चल पैक नीचे रख। तुझे कॉलेज हम बॉयफ्रेंड बनाने भेजते हैं, क्लब या कैंटीन में घूमने फिरने भेजते हैं, चोर, उचक्की, डाकू, लौंडेबाज। अरे शिल्पा बेब जस्ट चल, तुम शायद भूल रही हो कि आज के दिन तुम मेरी मम्मी नहीं हो शिल्पू। चल हट, भाड़ में जाए बेब डार्लिंग। तुझे तो मैं अभी अकल दिखाने दिखाती हूँ। मम्मी मम्मी देखो 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 मेरी बात सुनो, ये चीटिंग है, आप ऐसा नहीं कर सकती हो। अरे आपने मेरे से प्रॉमिस किया था कि आज आप मेरी मम्मी हो, ये चीटिंग कर रहे हो आप, आपने मेरे को दारू पिलाई है। चीटिंग की बात तो कभी मत, चार चार लड़कों को अंधेरे में रखा है तूने। मम्मी नहीं देखो, आपने मेरे को पिलाई है, आप मेरे आज के दिन बेस्ट फ्रेंड बने हो। मम्मी मम्मी बेवकूफ है इसकी, ये इंटेलिजेंट है, चार चार बॉयफ्रेंड बनाएंगी है, चार चार बॉयफ्रेंड खर्चा उठाएंगे, माँ बाप को उल्लू बना के रात को निकल जाएंगी, छोटे छोटे कपड़े पहनेंगी, छोटे छोटे कपड़े पहनेगी तू, मम्मी को उल्लू भी समझती है, पैसे चोरी करेगी मेरे, मेरे पैसे कूद दूंगी मैं तेरे को। अरे मम्मी, पूरा शरीर दुख रहा है मेरा। गाइस, अपने सीक्रेट कभी भी मम्मी से शेयर मत करना, और जो गलती मैंने करी वो आप बिल्कुल मत करना, और अगर मेरी पिटाई देख के मजा आया है तो कमेंट में बता देना, और अगर इसका सेकंड पार्ट चाहिए तो नीट पार्ट 2 कमेंट्स कर देना। पिटाई हो गई, दारू विद मॉम।